हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी रसोई। और आज हम बनाएंगे वेज सैंडविच, जिसके लिए मैंने लिया है टमाटर, शिमला मिर्च, ऑनियन और काकड़ी। इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। मसाले में हम यूज़ करेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स एंड 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा हर्ब्स, जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है पिज़्ज़ा मसाला करके। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी रेड चिली सॉस 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा स्पाइस के लिए। और मैं चाट मसाला यूज़ करूँगी 1/2 टेबल स्पून, और सॉल्ट यूज़ करूँगी स्वाद अनुसार, 1/2 स्पून मैंने यूज़ किया है। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, मसाला हमारा हो गया है रेडी। और यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड की स्लाइस ली है, अब इस पर हम बटर लगा रहे हैं। और सैंडविच की ग्रीन चटनी, जो मैंने पहले ही बना के रखी थी, इसे हमें इस पर स्प्रेड करना है अच्छे से। जितना आपको चाहिए, स्पाइसी खाते हो तो स्पाइसी, या फिर नॉर्मल। मैं थोड़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सैंडविच मेरे यहाँ स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। और फिर हमने जो वेजिटेबल रेडी किया है वो हमें यहाँ पे रखना है, धीरे धीरे स्प्रेड करना है। ये देखिए, मैंने अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड करके रख दिया है। और मैं यूज़ कर रही हूँ चीज़ क्यूब, आप इसमें चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हो। मैं करीबन ये 1 क्यूब यूज़ कर रही हूँ जी। देखिए, देखने में तो इतना टेस्टी लगता है, अगर आप बनाओगे तो भी बहुत टेस्टी ये बनेगा। और ये देखिए, हमारा सैंडविच हो गया है रेडी। अब इसे हम बंद करके ग्रिल कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 1/2 स्पून बटर, जिसे आपको स्लो गैस पे मेल्ट करना है। और ये सैंडविच आपको स्लो गैस पे ही बनाना है। ये हमने रख दिया, अब हम थोड़ा सा और बटर यूज़ करेंगे ऊपर, ताकि हमारा सैंडविच जले ना, अच्छा सा गोल्डन कलर इस पे आए। और इसे हम बंद कर देंगे। करीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारा सैंडविच रेडी हो जाता है। गैस स्लो ही रखना है आपको। और देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये, और काफ़ी अच्छा कलर आया है। तो अब इसे हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से कट कर लेंगे। और ये हमारा सैंडविच हो गया रेडी। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। देखिए, ये हमारा सैंडविच हो गया है रेडी। और आप देख सकते हो चीज़ कितनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो गई है, और कितना टेस्टी दिख रहा है। तो आप घर पर ज़रूर ट्राई करिए।